मौजूदा हालात में इमरान खान ने खंबे को टिकट दिया और वो जीत गया तो अफसार आलम ने हैरान कुन दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी अफसार आलम का कहना था कि वकीलों का सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं है। कायद आजम भी एक वकील थे, हर किसी का हक है सियासत में आने का, लेकिन मसला ये है कि वकला कचहरी और अदालत की सियासत करते हैं, लेकिन इंतखाबात में अमली सियासत गली की होगी। सीनियर सहाफी ने कहा कि वकला में बहुत से ग्रुप बने होते हैं और इस वक्त पीडीआई में एक बैरिस्टर गौहर का ग्रुप है, एक लतीफ खोसा का ग्रुप है, एक हामिद खान का ग्रुप है, शेर अफजल मरवत का अलग से ग्रुप है, शुएब शाहीन का अलग ग्रुप है और अली जफर का अलग से ग्रुप है। इसलिए ये जो कहा जाता है कि वकील तलवारें लेकर निकल आएंगे तो इतने ग्रुपों के होते हुए ये मुमकिन नहीं होगा। अफसार आलम ने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही कि बैरिस्टर गौहर कैसे पीटीआई के पूरे पाकिस्तान में मौजूद सियासी वर्करों से कनेक्ट कर पाएंगे। किसी सियासी जमात का लीडर या तो वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा करिश्मा हो, जैसे इमरान खान में था, या फिर बहुत सियासी जोड़ तोड़ की सूझबूझ हो। और ये जो कहा जाता है कि इमरान खान खंबे को भी टिकट देंगे तो अवाम खंबे को वोट देकर जिता देगी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। अगर इस बार ऐसा हो गया इस दौर में तो ये वाकई बहुत बड़ा मौजजा होगा।